सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। पार्ट सेकंड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th की पॉलिटिकल का। दोस्तों सेशन 2022 के हिसाब से ये सेशन और लेक्चर सीरीज आप सभी लोगों के लिए आ रही है। वीडियो के पिछले पार्ट में आपने समझने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से हमारा जब नेशन बिल्ड हो रहा था तो उस टाइम पीरियड पे हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। वैसे तो रैंडमली बहुत सारी है, बट इन क्लास 12th बच्चों को उस लेवल पे ही बताएंगे ताकि वो पेपर में लिख सके, थोड़ा बहुत अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके। सो इन दिस क्लास, इन 12th क्लास, आपको बहुत छोटे शब्दों में बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करी जा रही है कि जब कोई भी देश आज़ाद होता है तो उस टाइम पीरियड पे एक्चुअली में उस देश में क्या क्या दिक्कतें आती है, एक्चुअली में वो देश किस तरीके से समस्याओं का सामना करता है जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है। तो हमने पिछली पार्ट में हमने नेशन बिल्डिंग के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट, डेमोक्रेसी और एंटायर सोसाइटी के बारे में जानने की बात करी थी। हमने कहा था कि भाई डाइवर्सिटी है, सभी को एक साथ जोड़ना है, इस्टेब्लिशमेंट करेंगे डेमोक्रेसी की तो राइट टू वोट दिया जाएगा, और संसार में सभी लोग, इवन भारत में अमीर गरीबी तो है पर सरकार का मेन काम होता है कि इंटायर सोसाइटी के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सही तरीके से नतीजा निकाले, काम करे वगैरह वगैरह, विच इज़ नॉट हैपनिंग इन इंडिया। भारत में तो खैर ऐसा हो ही नहीं रहा, टेक्स्ट बुक में हम कैसे भी पढ़ लें, बट अमीर अमीर है और गरीब गरीब है और मिडिल क्लास अभी भी सोच रहा है। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये थी कि जब हमारा भारत देश, अब जो वीडियो के सेकेंड पार्ट में आप पढ़ने जा रहे हैं, उस वीडियो के सेकेंड पार्ट में आपको ये समझ में आएगा कि जब ड्यूरिंग पार्टीशन हुआ भारत के अंदर, तो नेशन बिल्डिंग तो जब भी करनी है ना, तो उसके आगे हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंदर जो भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारा का सारा डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड करिए और अब आगे हम लोग चलते हैं। तो जैसे कि मेरा भारत महान, वंदे मातरम, भारत माता की जय, फाइनली वी गॉट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स आफ्टर 200 ईयर्स, 200 साल की गुलामी के बाद हम लोगों को भारत में आज़ादी मिली, एंड देन भारत आज़ाद मिला और देन फाइनली हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है आज कुछ तूफानी करते हैं। मीन्स 15 अगस्त के दिन हम लोगों ने क्या करा, 15 अगस्त के दिन हम लोगों ने फाइनली झंडा फहराया और सभी को शुभकामनाएं दी कि चलिए आप बहुत सालों से जो चंगुल में थे, जो अंग्रेज़ों के चंगुल में थे, आप उससे निकल गए। नेशन बिल्डिंग के अंदर सबसे बड़ा पेनफुल प्रोसेस हमारे लिए ये रहा कि भारत और पाकिस्तान के लिए, देखो यहाँ पर एक मैं कह सकता हूँ फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेज़ों की शुरुआती समय से थी और वही सेम चीज़ इन्होंने इंडिया के अंदर भी करके दिखाई। ब्रिटिश राज के दौरान भारत का विभाजन होता है। अब भारत के विभाजन में ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना वन ऑफ दैट पर्सन जिन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर, सॉरी, मुसलमानों के लिए अलग होना चाहिए और हिंदुओं के लिए अलग होना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि हम जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, वो कांग्रेस या जो भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो उनके वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रही है। अब इसका जो प्रोसेस है ना, वो इसका प्रोसेस दोस्तों आपको 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि 3 जुलाई 1946 से लेके इवन जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर हुआ था, कैबिनेट मिशन आया था, तो उसके बाद से लेके लास्ट 1947 आज़ादी तक इस बीच बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ बदलाव हुए हैं कांग्रेस कमेटी से रिलेटेड और मुस्लिम लीग से रिलेटेड। वो सब मैंने क्लास 11th के जो पॉलिटिकल है उसमें कवर किया हुआ है। आप जब इन फ्यूचर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, पीसीएस की तैयारियां करोगे तो सब कुछ मिलेगा, यही सब कुछ होगा यही, बट आपको जो डीपली डेट है ना वो आपको उधर से होके गुजरना पड़ेगा। अब मैं स्पेशली ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनकी गलती है, नेहरू जी की गलती है, ये वक्त की गलती है, ये वक्त ऐसा था कि उनको वक्त में ऐसा करना पड़ गया। अब यहाँ पे बात होती है कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक टू नेशन थ्योरी सामने आती है। अब टू नेशन थ्योरी ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार आती है, कई बार आ रही है। टू नेशन थ्योरी सिंपल सा है, उन्होंने कहा एक ऐसा सिद्धांत है जो ऑफकोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने एक्सेप्ट करा। उन्होंने कहा ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके तहत दो राष्ट्रों का निर्माण होगा, हिंद के लिए हिंदुस्तान और पाक के लिए पाकिस्तान होगा, और इसीलिए टू नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इंट्रोड्यूस करी जाती है। तो किसके द्वारा करी जाती है आप ज़रूर याद रखिएगा।
टू नेशन थ्योरी का मेन मकसद हिंदू और मुसलमान के लिए एक सेपरेट कंट्री बनाने का मेन मकसद था, जिससे इन फ्यूचर मतलब मुसलमानों को कोई दिक्कत ना हो या इंडियंस को कोई दिक्कत ना हो, सेपरेट हो जाएगा सब कुछ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब यहाँ पे ना कांग्रेस को ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जो इंडिया थी ना उसके ऊपर डोमिनेंस कब्जा या मैं कह सकता हूँ पूरे इंडिया को नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर मोस्टली कांग्रेस लोग थे और के एम मुंशी का या बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स थे राम मनोहर लोहिया का, उनका भी यही कहना था कि यार ये तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ये तो कांग्रेस की असेंबली है, मतलब हालांकि वो इंडियंस थे बट उन्होंने फैक्ट बोलने की बात करी। अब यहाँ पे कांग्रेस ये कह रही थी कि हम टू नेशन थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ है, हम कांग्रेस अपोज द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन डन बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश लीड द चैलेंज टू क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान, पूरे तरीके से उसके खिलाफ थे वो। और यहाँ पे कांग्रेस ये कह रहा था कि अगर आप टू नेशन थ्योरी सामने लेके आते हैं तो भाई इससे देश टूटेगा, जनता टूटेगी, जनता भड़केगी, बहुत वायलेंस होगा वगैरह वगैरह चीज़ें होंगी। तो कांग्रेस फाइनली इसको बायकॉट कर रही थी, लेकिन ऑफकोर्स भारत के लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय इनको बोला गया कि आपका काम है भारत को तोड़ो और फूट डालो, शासन करो। उनको लगा कुछ टाइम तक और राज कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट कर ली और फाइनली पार्टीशन होना स्टार्ट हुआ। सो दिस इज द पार्टीशन, एंड पार्टीशन मीन्स दैट जब कभी भी दो भाइयों के बीच में बंटवारा होता है तो आपको याद होगा कि बंटवारा हर एक चीज़ का होता है, एक एक ईंट का होता है। तो यहाँ पे जब बंटवारा हो रहा था तो इस बंटवारे के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बुक्स और किताबें तो खैर एक ही होती है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कविताएँ हैं, बहुत सारी मूवीज़ है। एंड दिस पेनफुल प्रोसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब ये भारत के इतिहास के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो अब समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पेनफुल प्रोसेस के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना और आपके क्या कहते हैं नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल भी थे, इसमें एक एक चीज़ बांटने की इसमें शुरुआत कर दी गई। फाइनेंशियली पैसा नहीं बंटवारा हुआ, आर्मी बंटवारा नहीं करी गई, और रिसोर्स तो आप बांट ही नहीं सकते हो तो इसीलिए, लेकिन आपको पता है कि फिर वो जो अपना जो पंजाब का हिस्सा था कुछ हिस्सा तोड़ के उनको दे दिया गया, वो मिल्खा सिंह वाली मूवी आपको पता होगी, वो पार्ट पहले इंडियन हुआ करता था, कुछ ही दिनों में रातों रात पाकिस्तान के अंदर चला गया क्योंकि वो थोड़ा सा फर्टिलाइज इलाका था और पाकिस्तानियों के पास उस टाइम पीरियड पर एग्रीकल्चर के लिए कोई प्लेस नहीं थी। वो मैं दिखा दूँगा, ये पंजाब वाला हिस्सा अगर आप देखें तो ये कुछ पंजाब वाला हिस्सा इतना था, तो इतना पंजाब आधा काट के ये पंजाब जो है पूरा का पूरा किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को, ताकि फर्टिलाइज इलाका उनको मिल सके। तो चलिए ये तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फोर डिफिकल्टीज जो थी ऑफकोर्स पार्टीशन के टाइम पे हुई। बड़े बड़े नेताओं का क्या कहना है, क्या कहते हैं नेता हर कोई कहता तीसरी मंजिल पे रहता। अब यहाँ पे जगदीश भगत बोलता है, अब कहने का मतलब सिंपल था यहाँ पे ये है कि जब पार्टीशन हो रहा है तो नेता का तो काम है बस कह देना कि भाई हम तो मुस्लिम कौम के लिए क्या कहते हैं बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। असल में जो जिनको क्राइसिस होता है, जिन्हें प्रॉब्लम होती है, असल में वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों के लिए होती है। लड़ता कौन है मिडिल क्लास और लोअर क्लास, बोलता कौन है अपर क्लास, हायर क्लास, एरिस्टोक्रेसी क्लास, यही लोग मज़े मारते हैं, यही लोग डिसीजन लेते हैं, पिसते सिर्फ बेचारे गरीब लोग हैं जो सबसे बुरा है, जो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब कहा गया कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, पाक के लिए पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया कमेंट, सबसे बड़ा चैलेंज यही था, नो सिंगल बेल्ट ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी। मतलब ऐसा नहीं था भारत के अंदर कि एक अलग तरफा ही क्या कहते हैं पूरा का पूरा मुस्लिम इलाका है और कहीं थोड़ा सा क्या कहते हैं हिंदुओं के लिए है, ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे ऐसा कहा गया था कि ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि जो पाक का इलाका है इसमें जहाँ जहाँ तक मुसलमान रहते हैं तो वो इलाका पाकिस्तान बना दिया जाएगा, और कुछ बांग्लादेश के आसपास के इलाके हैं जो ऑफकोर्स पाकिस्तान बना दिए जाएंगे, रेस्ट पार्ट जो होगा वो इंडियन होगा। अब रेस्ट पार्ट में हमको क्या लगता है कि यूपी के अंदर आज मुसलमान लोग हैं, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, इवन साउथ के अंदर कितने लोग हैं, साउथ के अंदर कितने लोग हैं जो आज भी मुसलमान हैं, तो क्या इन लोगों को उठा के ये प्लेस काट के बजरंगबली की तरह इसमें घुसेड़ के हाथ और इसको उखाड़ के कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल है शिफ्ट करना।
तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि सिर्फ ये बाउंड्री मिल पाई और जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है वो आज ही विवादों में है। हालांकि धारा 370 हटा दी गई है, पर असल में वो अभी भी सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा। अगर आपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी तो उसमें भी कुछ ऐसा बताने की कोशिश करी गई है। अब यहाँ पे मेन बात है कि इन मुसलमानों के लिए भारत में ये करा गया, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भी यही कहा गया था कि जो भाई लोग यहाँ पे हैं इंडिया के, वो पाकिस्तान के अगर हिंदू लोग, वो यहाँ रुक सकते हैं। और कुछ रुके भी, ऐसा नहीं कि सारे चले गए। और कश्मीरी पंडितों का वही हाल रहा, क्योंकि कश्मीर में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, वो रुकना भी चाहते थे लेकिन वायलेंस की वजह से उनको वहाँ से खाली करवा दिया गया, मार दिया गया, फिल्मों में दिखाया गया। अब यहाँ पे मेन बात ये हुई कि हमारे इंडिया के अंदर भी नेहरू जी ने स्टेटमेंट दी कि जो मुसलमान इंडिया के अंदर रुकना चाहता है वो रुक जाए, तो बहुत सारे मुस्लिम्स रुके भी। आज भी आपको पता है कि इंडिया में जितने क्या कहते हैं, एज अ मैं करेक्ट रेशियो तो नहीं बता सकता, एज अ हिंदू होने के नाते मैं ये नहीं कह रहा कि यही सच हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर जितनी टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान की है, अगर उसकी आधी मुस्लिम आबादी भी देखे, तो मे भी शायद से हमारे इंडिया में अभी भी लोग उतने रहते हैं। और इंडिया जो है दोस्तों, याद रखना कि सभी का है ना। बहुत अच्छे कवि हैं आशुतोष राणा जी, उनकी कविता है कि बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा, बहती धाराओं के कुछ नाम रखे चलती धाराओं का क्या होगा, है ना। और शिव की गंगा भी पानी है, आमे जमजम भी पानी है, अल्लाह भी पिए, मुल्ला भी पिए, है ना, या हिंदू भी पिए। तो ये है कि मतलब सभी लोग क्या कहते हैं, एक जैसे है ना। और ये जो हवा है आप इसे भी नहीं बांट सकते, है ना। तो यही वाला सेम चीज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप सारी चीज़ों को नहीं बांट सकते, इंसान जिंदा रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट था, नॉट ऑल मुस्लिम ग्रुप्स वॉन्टेड टू बी इन पाकिस्तान। अब्दुल खान अब्दुल गफ्फार थे, क्या कहते हैं, ये बहुत ही बड़े प्रशंसक थे गांधी जी के, जो ये कहना चाहते थे कि भाई कुछ हिस्सा पाकिस्तान का आज भी ऐसा है, ये वाला पाकिस्तान का हिस्सा, नेफा इलाका बोलते थे इसको, इस नेफा इलाका के अंदर जो है ये वाला पाकिस्तान, जो नॉर्थ फ्रंटियर इलाका है, तो ये इलाका आज ही पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहता था। लेकिन मुसलमान होने के बावजूद भी, क्योंकि स्टेटमेंट दिया गया कि भाई जो मुस्लिम प्रांत हैं उनमें क्या कहते हैं, सिर्फ वो इलाका पाकिस्तान बन जाएगा, तो ये बहुत गलत था। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था कि इनको रखें ना रखें, है ना। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। अच्छा, तो मुझे अब पता चला कि जैसे पूर्वी बांग्लादेश कहा जाता है, वह आज पूर्वी बंगाल जो है, ये पूर्वी बंगाल, सोचिए पहले ये पाकिस्तान हुआ करता था जो आज ये बांग्लादेश है। तो ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें तो टू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविजन पंजाब एंड बंगाल, इट हैड नो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। अब यहाँ पे क्या करा गया कि जो पाकिस्तान था और पंजाब था और बांग्लादेश था, उसमें कुछ हिंदू थे कुछ मुसलमान भी थे, इसलिए क्या कर दिया गया, उनके हिस्सों को तोड़ दिया गया। ये देखो, पंजाब के हिस्से को तोड़ दिया गया और यहाँ बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल अलग कर दिया गया और बंगाल अलग कर दिया गया था, और बंगाल फिर पूर्वी पाकिस्तान बना और फिर बाद में जाके बांग्लादेश बन गया। तो ये एक प्रोसेस का तरीका था, 1944 से ये भी टूटना चालू हो चुका था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और फिर आपको पता है कि ये फिल्म हमारी दिलों की जान, बहुत सारे लोगों ने, जो 90s के लोग होंगे मेरे जैसे, उन्होंने ये मूवी ज़रूर देखी होगी, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया, है ना। ये गाना कितना प्यारा है, और ये सीन जो स्टोरी क्रिएट करी गई है, मतलब जो ये मूवी है वो बहुत लोगों के दिलों को छू चुकी थी, है ना। तो दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, सारी चीज़ें पता नहीं क्या क्या थी। सो ऑल दीज थिंग। दूसरा प्रॉब्लम द मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़, जो बेचारे दंगे भड़का रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमें हिंद चाहिए, कोई कह रहा पाकिस्तान चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं, जो पारसी है, जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख है ना, जरूस्टिज्म है, ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा था कि उन्हें जाना कहाँ है, उन्हें रहना कहाँ है, है ना। बहुत सारे सिख लोग जो है वो लगते थे मॉमडन की तरह, तो मतलब वो भी मतलब क्या है, दाढ़ी बड़ी है, सिर्फ वो नहीं पहनते वो लोग, है ना। तो उनको भी बेचारों को क्या कहते हैं, माइग्रेट होना पड़ गया था। तो ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब तो वीडियो ही ख़त्म हो चुकी है, लेक्चर ही ख़त्म हो चुके हैं। तो अब जल्दी मिलेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। इतना ही है, कुछ प्रॉब्लम है जो पार्टीशन के ड्यूरेशन में हुई थी। आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन विद दिस ई पाठशाला चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब,
एंड इफ यू वांट टू मेक द नोट्स तो डाउनलोड करिए जल्दी जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।